नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। आज की सबसे पहली खबर, नीतीश कुमार एनडीए के नेता चुने गए। सोमवार यानी आज सातवीं बार बिहार सीएम के रूप में लेंगे शपथ। जी हां, जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार को रविवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेता चुन लिया गया है। इसके साथ ही नीतीश कुमार के लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का मार्ग भी प्रस्त हो गया है। नीतीश कुमार को सोमवार को पटना में बिहार सीएम के रूप में सातवीं बार शपथ लेंगे। वरिष्ठ बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने बताया कि एनडीए की संयुक्त बैठक में नीतीश कुमार को गठबंधन का नेता चुन लिया गया है। बैठक के बाद नीतीश कुमार राजभवन गए और राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा एवं पत्र पेश किया। नीतीश कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि कल सोमवार को दोपहर बाद 4 से 4:30 बजे के बीच शपथ ग्रहण समारोह होगा। अगली बड़ी खबर, डिप्टी सीएम की दौड़ से बाहर हुए सुशील मोदी। बोले, कार्यकर्ताओं का पद तो कोई नहीं छीन सकता। जी हां, बिहार में नया मुख्यमंत्री तय हो गया है। सोमवार शाम को नीतीश कुमार राजभवन में सातवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन डिप्टी सीएम के लिए अभी कोई नाम तय नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि वीडियो अपलोड होने से पहले डिप्टी सीएम का नाम तय नहीं किया गया है। डिप्टी सीएम का पद छीनने के बाद सुशील मोदी ने ट्वीट करके लिखा, मुझे पार्टी ने 40 साल में बहुत कुछ दिया है, आगे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाऊंगा, मुझसे कार्यकर्ता का पद कोई नहीं छीन सकता है। अगली बड़ी खबर, तार किशोर बीजेपी विधायक दल के नेता और रेणु देवी उपनेता चुनी गई। राजधानी पटना में रविवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में मुख्यमंत्री आवास एक अन्य मार्ग पर राजग के घटक दलों की संयुक्त बैठक हुई। इस बैठक में कटिहार से नवनिर्वाचित विधायक तारा किशोर प्रसाद को भाजपा विधायक दल के नेता चुना गया, वहीं रेणु देवी को भाजपा विधायक दल का उपनेता चुना गया। मीडिया के साथ बातचीत में तारा किशोर ने कहा कि मुझे जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसे मैं अपनी क्षमता के अनुसार पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा। राज्य के डिप्टी सीएम को लेकर पूछे गए सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं। अगली बड़ी खबर, तार किशोर प्रसाद होंगे बिहार के डिप्टी सीएम, सुशील मोदी को कैबिनेट में मिल सकती है जगह। जी हां, बिहार के डिप्टी सीएम पद के लिए सस्पेंस करीब खत्म हो गया है। खबरों के मुताबिक बीजेपी के वरिष्ठ नेता तार किशोर प्रसाद सूबे के अगले डिप्टी सीएम हो सकते हैं, जबकि सुशील कुमार मोदी को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। तार किशोर प्रसाद को बीजेपी के विधानमंडल दल का नेता भी चुना गया है, वहीं उपनेता के तौर पर रेणु देवी को चुना गया है। बताते चले कि तार किशोर प्रसाद बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, और इस बार तार किशोर प्रसाद को बीजेपी ने कटिहार सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था। राजद के वरिष्ठ नेता मनोज झा का बयान, बिहार में एनडीए को काफी कमजोर बहुमत, नीतीश कुमार ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाएंगे मुख्यमंत्री। बिहार में सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। कल शाम नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण करेंगे। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता मनोज झा ने कहा कि जनता दल के मुखिया नीतीश कुमार के पास बहुत कम बहुमत है। उन्होंने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया। उन्होंने नीतीश कुमार पर 2017 में महागठबंधन से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में जाने के लिए लोगों के जनादेश के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि बिहार की जनता अब जाग गई है। मनोज झा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यहां तक कि एनडीए और भाजपा को भी मानना चाहिए कि अगर यह बदलाव के लिए जनादेश नहीं होता तो नीतीश कुमार राज्य विधानसभा में सिर्फ 40 सीटें नहीं जीतते। आप कम बहुमत पर है, कम बहुमत वाली सरकार लंबे समय तक नहीं चल सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि राजद ने पहले ही कम वोट मार्जिन के बारे में भारत के चुनाव आयोग से संपर्क किया है, और आने वाले दिनों में जवाबदेही की मांग करते हुए नीतीश कुमार के खिलाफ सड़कों पर आने की चेतावनी दी है। बिहार में नई सरकार पर बोले तार्किक अनवर,
बीजेपी ने किया नीतीश को कमजोर, रिमोट से चलेगी सरकार। कांग्रेस महासचिव तार्किक अनवर ने नई सरकार के गठन पर कहा कि नीतीश कुमार पहले से कमजोर हो गए हैं, उनको पहले जैसा जनादेश नहीं मिला है। वह इस बार सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री होंगे, जबकि भाजपा बिहार सरकार को रिमोट से चलाएगी। तारिक अनवर ने मीडिया को दिए अपने बयान में कहा कि नीतीश कुमार बिहार में एनडीए के अच्छे नेता है, लेकिन इस बार पहले जैसी स्थिति नहीं है। बीजेपी ने उनको कमजोर किया है। अगर वह एनडीए के नेता या फिर मुख्यमंत्री बनते भी हैं, तब भी उनका सरकार को कोई और रिमोट कंट्रोल से चलाएगा। आपको बता दें कि बिहार में इस बार जेडीयू को जहां 43 सीटें मिली है, वहीं भाजपा को 74 सीट पर जीत मिली है। भाजपा और जेडीयू अपने दो अन्य सहयोगी साथ मिलकर इस बार सरकार बना रही है। चिराग को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल करने का फैसला पीएम मोदी लेंगे, अश्विनी चौबे बोले, जो भूल हुई उसे सुधारने की जरूरत। विधानसभा चुनाव में जेडीयू के हार का बड़ा कारण बनने वाले चिराग पासवान को क्या केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिलेगी, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। बिहार चुनाव खत्म होने के बाद अब सबकी नजरें केंद्रीय कैबिनेट में होने वाले विस्तार पर जा टिकी है। माना जा रहा है कि बिहार में सरकार गठन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दिल्ली में भी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले और उन्हें जबरदस्ती देने वाले चिराग पासवान को क्या केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिलेगी, इसको लेकर बीजेपी के नेताओं की तरफ से आ रहे संकेतों को समझा जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे की माने तो चिराग पासवान का एनडीए गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ना बिहार में घाटे का सौदा रहा। अश्विनी चौबे का कहना है कि अगर बिहार में चिराग पासवान की एलजेपी एनडीए के साथ चुनाव लड़ती तो यहां हमें 2/3 बहुमत मिलता, लेकिन हकीकत यह है कि चिराग पासवान के अलग लड़ने से स्थितियां बदल गई। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी चाहेंगे तो चिराग पासवान केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हो पाएंगे, लेकिन उनकी व्यक्तिगत राय यह है कि जो भूल हो चुकी है उसे सुधारने की जरूरत है। बिहार में गहराई जोड़ तोड़ की सियासत, सरकार बनाने की दुर्गामी रणनीति बना रहे हैं तेजस्वी। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार के गठन की कवायद शुरू हो चुकी है, वहीं महागठबंधन भी सरकार बनाने की दुर्गामी रणनीति बना रहा है। बताया जा रहा है कि जोर तोड़ की कोशिश के बीच उप मुख्यमंत्री की कुर्सी का भी ऑफर खुल गया है। महागठबंधन के प्रमुख घटक राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने इसमें अपने कुछ प्रमुख सिपाही सलाहकारों को लगाया है। जोर तोड़ की कोशिश का खुलासा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी हाल ही में कर चुके हैं। दो दिन पहले आरएसएस दल की बैठक में तेजस्वी यादव ने कहा था कि एनडीए सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। महागठबंधन के अन्य नेताओं का भी मानना है कि कुछ दिनों के बाद महागठबंधन की ही सरकार बनेगी, इसके लिए गुप्त मुहिम आरंभ हो चुकी है। तो चलिए अब बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर। तो बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है। जी हां, राज्य में पिछले 24 घंटों में 247 नए कोरोना मरीज पाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 2,26,916 तक पहुंच गई है। बिहार में फिलहाल 6,486 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 90 नए मामले सामने आए। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के भीतर कोरोना से 5 लोगों की जान चली गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा 1169 तक पहुँच गया है। बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि महज 24 घंटों के भीतर 422 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। अगली बड़ी खबर छठ पर्व को लेकर है। जी हां, छठ घाट पर प्रसाद के वितरण और डुबकी लगाने पर सरकार के द्वारा रोक लगाई गई है। कोरोना काल में हो रहे छठ घाटों पर नियम अलग होंगे। प्रसाद का वितरण घाटों पर मना कर दिया गया है। घाट पर बैरिकेडिंग की इस तरह से कराई जाएगी कि लोग डुबकी भी ना लगा सके। यह निर्देश राज्य सरकार के गृह विभाग की ओर से सभी जिला के जिला प्रशासन को लिखे पत्र में दिया गया है। प्रशासन की जवाबदेही है कि इसे लागू करवाए। लोगों की सलाह दी गई है कि गंगा घाटों पर भीड़ होने पर दो लोग आपस में सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए बेहतर हो कि लोग अपने घरों पर ही छठ करें। जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि पूजा के लिए जो लोग जल लेना चाहते हैं उनके लिए आवश्यक व्यवस्था की जाए। इसके लिए भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी इलाकों में जहाँ छोटे तालाबों पर छठ का आयोजन होगा, वहाँ भी लोगों के लिए मास्क और सोशल
डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। छठ पूजा घाट पर यत्र तत्र थूकना वर्जित होगा। तालाब में अर्घ देने के दौरान डुबकी ना लगाएं। बैरिकेडिंग इस तरह से होगी कि लोग डुबकी ना लगा सके। इसके अलावा छठ पूजा के आसपास खाद्य पदार्थ का स्टॉल नहीं लगाया जाएगा। किसी तरह का कोई सामुदायिक भोज प्रसाद या भोज का वितरण नहीं किया जाएगा। इसके अलावा 60 से अधिक उम्र के व्यक्ति, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, बुखार से ग्रस्त व्यक्ति और अन्य गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को सलाह दी गई कि वे छठ घाट पर ना जाएं। पटाखों से जहरीली हुई पटना की हवा। दो दिनों में बड़ा एयर क्वालिटी इंडेक्स प्रतिबंध के बाद भी नहीं लगा पटाखों पर अंकुश। जी हां, पटाखों से पटना की हवा जहरीली हो गई है। दो दिनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 195 से 275 तक पहुंच गया है। AQI में ऐसे ही बढ़ोतरी हुई तो लेवल 300 के पार हो जाएगा, जो सेहत के लिए काफी खराब है। ऐसी स्थिति में बीमार लोगों के साथ साथ आम लोगों को भी परेशानी हो सकती है। रविवार शाम 5 बजे तक के आंकड़ों में पटना में दानापुर की हवा सबसे शुद्ध रही, तो वहीं IGSSC प्लेनेटेरियम कॉम्प्लेक्स की हवा सबसे खराब पाई गई। 2022 के 10वीं बोर्ड परीक्षा में फेल हो जाने के बाद भी पास कराएगा 6ठा सब्जेक्ट, जाने फायदे व रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि। CBSE की 10वीं बोर्ड परीक्षा कोर्स की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट को फायदा मिलेगा। 10वीं की परीक्षार्थी अपने मुख्य तीन विषय गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में से किसी एक में फेल हो जाते हैं तो 6ठे विषय के तौर पर लिए गए स्किल सब्जेक्ट से पास कर दिया जाएगा। फेल सब्जेक्ट के स्थान पर स्किल कोर्स को रिप्लेस कर दिया जाएगा। बोर्ड की नई व्यवस्था 2020 की बोर्ड परीक्षा के जारी रिजल्ट से ही लागू हो गई थी। 2022 बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में सब्जेक्ट जोड़ सकते हैं। इस व्यवस्था में फेल होने से परीक्षार्थी बच जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि CBSE वार्षिक परीक्षा 2022 में शामिल होने वाले स्टूडेंट 19 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट बिना लेट फाइन के 19 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बड़ी खबर, बिहार में बंगाल की तरह लोकल ट्रेनों का परिचालन होगा शुरू। रेलवे कर रही है तैयारी। बिहार यात्री संघ ने लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की मांग की है ताकि दैनिक यात्रियों की परेशानी खत्म हो। संघ ने कहा कि जिस तरह रेलवे मंत्रालय के आदेश अनुसार पश्चिम बंगाल में लोकल ट्रेन सुबह 8 से 11 तक और शाम 4:30 बजे से 8:30 बजे तक ट्रेन चल रही है, उसी तरह राज्य में भी लोकल ट्रेन का परिचालन बढ़कर सुबह 8 से 11 तक और शाम 4:30 बजे से 8:30 तक कराया जाए। 90,763 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के लिए अंतिम मेरिट लिस्ट 9 दिसंबर तक होगी तैयार। जी हां, 90,763 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के लिए फाइनल मेगा सूची 9 दिसंबर तक प्रकाशित होगी। इस संबंध में सभी जिलों को DLED और BEd अभ्यर्थियों की फाइनल सूची 9 दिसंबर तक प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने शुक्रवार को सभी DO और DPO को पत्र भी भेज दिया गया है। कहा गया है कि 28 नवंबर तक पंचायती राज और नगर निकाय की नियोजन इकाइयों की मेगा सूची जिले के NIC की वेबसाइट पर प्रकाशित करा जाए। 5 दिसंबर तक अभ्यर्थियों से आपत्ति लेना है। 9 दिसंबर तक फाइनल सूची प्रकाशित करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि कक्षा 6 से 8 तक शिक्षक अभ्यर्थियों की मेगा सूची 25 नवंबर तक जिला NIC पोर्टल पर अपलोड करना है। अगली बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीन पर बड़ी खुशखबरी है। जी हां, अगले महीने भारत को 10 करोड़ डोज मिलने वाला है। दिसंबर से ही टीकाकरण स्टार्ट हो जाएगा। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के बीच भारत के लिए दिवाली से ठीक पहले बड़ी खुशखबरी आई है। दुनिया के सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी दिसंबर तक भारत को AstraZeneca VLC COVID-19 टीके के 10 करोड़ डोज भारत को उपलब्ध कराने की तैयारी में है। इसके साथ ही भारत में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत हो सकती है। कंपनी के CEO आदर पुनावाला ने कहा कि यदि फाइनल स्टेज ट्रायल के डेटा में यह वैक्सीन प्रभावी पाई जाती है तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड को आपातकालीन मंजूरी मिल सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट ने AstraZeneca के साथ कम से कम 1 अरब डोज तैयार करने का समझौता किया है। तो इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब